डिप्लोमा इन फार्मेसी में सरकार ने कितनी फीस तय की है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपना एडमिशन कॉलेज में कब तक ले सकते हैं? लास्ट डेट क्या होती है एडमिशन लेने की डिप्लोमा इन फार्मेसी में? और क्या बैक सेशन में एडमिशन हो सकता है? इन सारी चीजों पर आज मैं बात करूंगा। तो सबसे स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से महत्वपूर्ण अपडेट के लिए, जॉब नोटिफिकेशन के लिए और साथ ही साथ सभी तरह के फार्मेसी एग्जाम के लिए आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर ले ताकि जब मैं नया वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए अब बात करते हैं कि आज का ये वीडियो किस विषय पर होने वाला है। डिप्लोमा इन फार्मेसी में सरकार ने कितनी फीस तय की है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपना एडमिशन कॉलेज में कब तक ले सकते हैं? लास्ट डेट क्या होती है एडमिशन लेने की डिप्लोमा इन फार्मेसी में? और क्या बैक सेशन में एडमिशन हो सकता है? इन सारी चीजों पर आज मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी की फीस कितनी होती है सरकार के द्वारा जो निर्धारित की गई है। सरकार के द्वारा डिप्लोमा इन फार्मेसी की फीस 1,20,000 रुपये है 2 साल की। अब इसमें कुछ कुछ कॉलेजेस अपने एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ करके अपनी फीस को वेरिएशन करते हैं। यूपी में पता करेंगे तो फीस 1,80,000 से लेकर के 2,10,000 के बीच में है। उसी तरह से बिहार, झारखंड और अन्य अन्य जिलों के फीस अलग अलग है। लेकिन जो गाइडलाइन है, जब आप अपने इंस्टीट्यूशन से बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगेंगे तब आपको जो फीस स्ट्रक्चर दिया जाता है स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय, वहां देखिएगा कि 1 साल का फीस जो है मात्र 60,000 रुपये है सारी चीजों को लेकर के। इसमें ट्यूशन फीस, कॉशन फीस, एक्स्ट्रा चार्जेस सारे कुछ उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। तो 1,20,000 रुपये फीस है सरकार के द्वारा जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को लेना है। अब बात करते हैं कि एडमिशन का लास्ट डेट क्या होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए। तो जब तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का अपना सीट फुल नहीं होता है, यानी 60 सीट उनको दिया जाता है, तब तक वो जो है एडमिशन लेते रहते हैं। यानी जब उनका 60 सीट फुल हो जाएगा तब वो एडमिशन स्टॉप करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या बैक सेशन में एडमिशन हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज का अपने काउंसिल के साथ किस तरह से उनका जोड़ है। अगर कॉलेज का काउंसिल के साथ अच्छा तालमेल है तो वो बैक सेशन में भी एडमिशन ले लेते हैं, जो कि देखा जाए तो जब तक उनका सीट फुल नहीं हो जाए तब तक वो लोग काउंसिल से मतलब बात कर करके बैक सेशन में भी एडमिशन लेते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप झूठे प्रलोभन में ना जाए। कभी कभी बैक सेशन बोल करके आपसे ज्यादा पैसा ले लिया जाता है और आपका बैक सेशन में एडमिशन नहीं होता। अब बात करते हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने पीसीआई ने इंस्पेक्शन के द्वारा गलत पाया गया, उनके मापदंड सही नहीं थे। उन सभी चीजों को देख करके बहुत सारे कॉलेजेस को क्या किया गया, एडमिशन को स्टॉप किया गया है। आपको उन कॉलेज की लिस्ट जरूर देख लेनी है। उन कॉलेज की लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आप क्लिक कीजिएगा। तो मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी में किन किन कॉलेजों को पीसीआई ने क्या किया है एडमिशन को स्टॉप करने के लिए आदेश दिया है उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जरूर ये बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लाइक जरूर कर दीजिएगा।